सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 वर्ष पूरा कर चुका है और इस देश की सरकार अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के 9 वर्ष के कार्यकाल को जनसभा के तौर पर कहिए तो क्षेत्र में पूरे देश में आम जनों के बीच में सरकार ने जो जो कार्य किया है इस 9 साल में उस कार्यकाल को लेकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, सारे लोग विधानसभा के क्षेत्रों में, लोकसभा के क्षेत्रों में जाकर 9 वर्ष की जो कार्यकाल मोदी जी के नेतृत्व में हुई है और अपने पुरानी सरकार आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल हुआ है उसको लेकर हम लोग आमजनों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में जाकर अपने कार्य को बताने के काम कर रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को इसलिए बुलाए हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी शिवाजी मैदान में पलामू लोकसभा का एक भव्य आम सभा का आयोजन हुआ है जिसमें हम प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, अपने सभी लोगों को हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक उस आम सभा में आने के काम करें। और जो भी हमारे बाहर से आए हुए नेता हैं, जानकारी है कि हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय सांसद जॉन बारला साहब आ रहे हैं जो अभी केंद्र में मंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हमारे आदरणीय सांसद बीडी राम जी के नेतृत्व में और हम सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो इस पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम का आयोजन करने का जो ठाना गया है, हमें लगता है कि हम सभी ने इस देश के विकास में जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अहम भूमिका है उससे ज़्यादा इस देश की जनता की भूमिका है, जो हम अपने नेता के प्रति जो किए हुए कार्य है उस कार्य को आम जनों के बीच तक पहुंचाएं और उसे पहुंचाकर आम जनों तक ये बताने के काम करें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 9 साल में जो विकास कार्य हुआ है वो शायद किसी भी सरकार में या किसी भी गवर्नमेंट की ओर से कार्य नहीं हुआ था जिसे हम आम जनों के बीच में रख सकते हैं। एक चीज़ और चीज़ बताना चाहते हैं कि जो आम सभा हम लोग कल शिवाजी मैदान में करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही विधिवत तरीके से आम जनों तक कैसे सरकार की योजना पहुंचे, सरकार इस योजना के माध्यम से आम जनों तक कैसे कार्य करने के काम करे, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग कल एक कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से अपने विधानसभा की जनता और विधानसभा के आदरणीय अभिभावक तुल्य जो हमारे जनता कार्यकर्ता हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि आप जरूर कल की इस आम सभा शिवाजी मैदान में उपस्थित होने के काम करें ताकि हम तमाम लोग मिलकर अपने नेता के प्रति सच्चा विश्वास के साथ ही देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मनोबल को और आगे बढ़ाने के काम करें। धन्यवाद।